विदिशा जिले के ग्राम सिरनोटा और उमरछा के बीच बनने वाली सड़क का रास्ता बदल दिया गया है, जिससे आदिवासियों और हरिजन समुदाय को नुकसान होगा। हरे भरे वृक्षों को धराशायी किया जा रहा है। वहीं सर्वे में शामिल राजस्व खसरा नंबरों के बावजूद रसूखदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क का रास्ता बदल दिया गया है। बता दें, कुल्हार रेलवे क्रॉसिंग से उमरछा ग्राम तक बनने वाली करीब 4 किलोमीटर की यह सड़क 4,26,00,000 रुपये की लागत से बनाई जा रही है। वहीं अधिकारियों ने साठगांठ कर सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है। यह सड़क कुछ दिन बाद केवटन नदी पर बनने वाले कोठा बैराज डैम के पानी से डूब में आ जाएगी, जिससे इन ग्रामों के आदिवासियों को उक्त सड़क का लाभ नहीं मिल सकेगा। बता दें, सड़क निर्माण से जनजाति समूह को प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का लाभ मिलने वाला था, लेकिन अब यहां सड़क रसूखदारों को फायदा पहुंचाएगी। सड़क निर्माण पूर्व सर्वे अनुसार किया जाए, इसी को लेकर जिला परिषद सदस्य रानी अहिरवार और प्रगतिशील कृषक मनु शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों आदिवासियों ने चक्का जाम कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गंज बासोदा से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। भैया लाल सहरिया, कहाँ के रहने वाले हैं? सिरनोटा। क्या समस्या है? समस्या साहब जी है कि जो पहले यहाँ से सर्वे हुआ है, बस सर्वे से रोड नहीं डर रहा, और जो बड़े बड़े किसान हैं, एक ही घर है जिन लोगों ने वो रोड वहाँ खींच लो। कौन है वो? वीरेंद्र शर्मा, बृजेंद्र शर्मा। ये रोड नहीं डालने दे रहा? ये रोड नहीं डाल, जी यहाँ से डर आ रहा है, मतलब रोड डाइवर्ट कर दिया। हाँ, आप चाह रहे हो कि रोड जो है रोड सर्वे हुआ वहाँ से डाले? रोड जहाँ से सर्वे भाव है वहीं से डाले, मतलब आदिवासी हरिजनों के आदिवासी जातरफ भी हैं और बातरफ भी हैं, हरिजन बातरफ हैं, जातरफ केवल आदिवासी हैं। अच्छा। सर्वे कहाँ से कहाँ? और पुरसाव पानी हो जाते है, नालो चढ़ जाते है, हमारी व्यवस्था खत्म हो जाए। अच्छा, ये जो सड़क बन रही है बरसात में डूबेगी कि नहीं डूबेगी? ये तो डूब जाएगी। हाँ। हमारे यहाँ अब वो 1 किलोमीटर जो नीचे बन रही है। हाँ। और वो 1 किलोमीटर ऊपर है। हमें कोई जा रहे है। लक्ष्मण आदिवासी। क्या हुआ था तुम्हारे यहाँ जो है? जी मेरे पास मैडम के पास डिलीवरी हुई थी। मैं गोद में, हाँ मेरी पत्नी को मैं गोद में उड़ा के ले गया था। 108 आई थी, खच गई थी, तब मुझे बहुत परेशान हुई थी। मुझे सड़क चाहिए, मुझे तो कीचड़ में। तो बरसात के दिनों में आना जाना कैसे करते हो? कुछ नहीं होता है आना आना जाना, कजा कोई मर भी जाए कोई चिंता पहुँच नहीं पाता था, ना कहीं ये सड़क है ना कछु है। एम्बुलेंस आती है वो भी फंस के रह जाती, वो भी तो लगाते हैं फोन, हम नहीं आ पा रहे साहब। मरीज को दूर है, पहले एम्बुलेंस निकालना मुश्किल होता है। हाँ, मरीज तो नहीं निकल पाता है ना, एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है। और क्या मामला है पूरा? मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं ग्राम सिरनोटा तहसील कुरवाई जिला विदिशा का निवासी हूँ। मामला ये है कि ग्राम सिरनोटा में जो विधायक निधि से रोड निकल रही थी, वो ग्राम उमरछा से रेलवे क्रॉसिंग कोल्हार तक की थी वायस ग्राम सिरनोटा, जिसका सर्वे हमारे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि श्री रघुवीर सिंह परियार और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब नरखेड़े साहब ने किया था। उसमें मैं भी शामिल था, सरपंच साहब के साथ उन्होंने मुझे बुला लिया था, चूंकि मैं लोकलाइट था। इसका जो सर्वे हुआ था वो आदिवासी और हरिजनों टपरों के बीच में से होते हुए, ताकि यथासंभव गाँव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हित हो, इस हिसाब से डला था। अच्छा, जहाँ से सर्वे हुआ था वो तकरीबन मतलब नदी से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और आज जो जहाँ से ये डालना चाह रहे हैं बलपूर्वक, ये नदी से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। तो आप तो ये खुद ही समझ सकते हैं कि पानी का भराव 1.5 किलोमीटर में ज्यादा होगा कि 1.5 या 2 किलोमीटर में ज्यादा होगा। तो निर्माण हो रहा है वो सर्वे के अनुसार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। इस का जो निर्माण होना था वो ग्राम उमरछा से शासकीय गोए से होते हुए ग्राम सिरनोटा और ग्राम उमरछा के बीच के जो मेला है, की बात मैं इस समय बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है? अभी हमने जो पाया है, देखा भी है, अभी जहाँ से निर्माण कार्य हो रहा है वो प्राइवेट भूमि में से, मतलब निजी भूमियों में से कराते हुए एक परिवार को हित का लाभान्वित करते हुए कर रहे हैं। तो इससे आदिवासियों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ आदिवासियों की टपरे हैं, अगर अपन बिल्कुल पास की रोड भी देखें तो वो तकरीबन 1 या 1.25 किलोमीटर दूर पड़ेगी उनको, यही जो बन रही है डामरीकरण। दूसरी बात ये है कि वो डूब क्षेत्र में से निकल रही है, तो आप ही समझ लीजिए कि
बारिश के टाइम पे कभी वो ओगरी तो होगी नहीं, डूबी ही रहेगी। उमरछा गांव में सड़क का जो विवाद का मामला है, ये पूरा मामला क्या है और कहां से सर्वे था और कहां से डल? देखिए, मैं यहां से जिला पंचायत सदस्य हूं और मेरी जानकारी के हिसाब से ये जहां से सड़क डलनी चाहिए वो सरकारी नंबर है और वहीं से सर्वे हुआ है, जबकि यहां से सड़क ना डल के एक परिवार को लाभ देने के लिए सड़क को डाइवर्ट कर दिया गया है, उनकी निजी जमीन में से वो रोड डल रही है। और गांव वालों का सभी का कहना ये है कि सड़क यहीं से डली जाए, क्योंकि बरसात में जब बाढ़ का पानी भरता है तो ये लोग चारों तरफ से छिक जाते हैं। जैसे कि यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ निवासरत हैं। 70 परिवार ऐसे हैं जो बेचारे बरसात के समय में बहुत ही बुरी कंडीशन में यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। आप देखिए, जब महिलाओं की डिलीवरी का मामला आता है तो वो कंधे पर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जब तक पता नहीं क्या हो जाए। कई लोग ऐसे हैं, बच्चे, पुरुष, महिलाएं जो यहाँ दम तोड़ चुकी हैं बीमारी के रहते, क्योंकि उन्हें कोई सुविधा है नहीं। यहाँ पास में कुल्हार भी नहीं पहुँच पाते, यहाँ मेन रोड तक आते आते वो लोग दम तोड़ देते हैं। तो सड़क जहाँ से स्वीकृत हुई है वहीं से डली जाए, गांव वालों का कहना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठेंगे। कितने सारे सड़क को लेकर उसकी बात क्या ऊपर जनप्रतिनिधि अधिकारियों को बताइए? ये लोग मेरा मानना ये तो जीवन से ही परेशान है, यहाँ कोई लाभ नहीं मिला। कई बार यहाँ सर्वे हो जाता है, सर्वे के आधार पे बस कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, बाकी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये सभी लोग वंचित हैं। यहाँ अभी दादा ने भी बोला है, इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। इतना लंबा समय हो गया, फिर कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी भी सामने नहीं आती, फिर आप भी सामने नहीं आ? नहीं, हमने भी कई बार मुद्दा उठाया इस चीज का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार है, बस भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं बेचारे ये लोग। क्या करेंगे? हम सब लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। आज मेरा निरीक्षण कुरवाई और पठारी, जैसा आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक में विकास कार्यों के मुआयने के लिए हुआ है। कोठा बराज का कार्य जो है वो शुरू करवाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और जो भी उनकी समय सीमा तय हुई है गुणवत्ता के साथ उस समय सीमा में कार्य हो जाए, जिससे कि अगला जो रबी सीजन होगा उसके पहले जो है किसानों तक, जो टैलेंट के किसान हैं उन तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अभी तक 80% काम हो चुका है, क्योंकि विगत महीनों में बरसात का समय था इसलिए कार्य थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन अब वो दिवाली के बाद काम जो है पूरी गति से शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुरवई में हमने जो यूरिया और DAP की स्थिति है उसकी समीक्षा करी और डबल लॉक में और समितियों में जो यूरिया की का स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन किया और लोगों को, किसानों को सुचारू रूप से उसका वितरण हो सके, कोई अवैध तरीके से भंडारण ना कर सके, इन सब चीज़ों के निर्देश दिए गए और सुनिश्चित भी किया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं के संबंध में कुरवई में जो हमारा CHC है उसका निरीक्षण किया गया, देख के प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छी हालत में था और उम्मीद करूंगा कि वो मेरे भ्रमण के बाद भी अच्छी हालत में रहे। तो वहाँ पर डॉक्टरों की जो उपस्थिति है वो भी रही, रात को कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, तो वो चीज़ें सुधार ली गई हैं और आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि वहाँ के BMO साहब इसका ध्यान रखेंगे। एक गौशाला भी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, जो कि अभी चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं सड़कों पे हमारे जो निराश्रित भवन से उसकी समस्या बनी हुई थी, तो इनको दूर करने के लिए गौशाला चालू कराई गई है जनपद के माध्यम से, उसका भी निरीक्षण किया। अब चरागाह वहाँ पर डेवलप करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल और आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया गया, बच्चों की उपस्थिति और बढ़ाने के लिए गाँव में जो हमारे ग्रामीण विकास के सभी विभाग हैं, सचिव रोजगार सहायक हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हो गई, शिक्षक हो गए, आशा कार्यकर्ताएँ हो गई, सभी लोग दल बना के जाएंगे और जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि ये जो अभी शिक्षा है यही उनको आगे जाके एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लेके जाएगी। कोई भी अर्जेंट काम हो, कितना महत्वपूर्ण काम हो, कोशिश ये करें कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। भलवामोरा चौराहे पे शहरी आदिवासियों ने यहाँ पर जो आपको रोक के अपनी कुछ समस्याएं बताई सड़कों को लेकर। यहाँ पे अभी एक विषय आया है जानकारी में कि जो सड़क बन रही है वो जो अलाइनमेंट तय हुआ है उसमें कुछ जो है दिक्कतें आ रही हैं, उसका परीक्षण करा लिया गया।